तो राम राम सारे हरियाणा वासियों ने, हरियाणा नंबर वन, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो गर्व से कहो हम हरियाणवी हैं, गर्व से कहो हम हरियाणा से हैं। आज हम हैं हमारे गूगल महाराज के पास, और गूगल महाराज जी बताओ हमें हरियाणा आज किस कंडीशन में है। जैसा जो हरियाणा के बेरोजगार युवा है, हरियाणा बेरोजगारी दर हम यूट्यूब महाराज से, सॉरी गूगल महाराज से सर्च करवाते हैं, तो यहाँ पर दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 35.7%, यह देश में सबसे ज्यादा है, यानी कि हरियाणा हमेशा नंबर वन पे है। जबकि आपके जो ये आंकड़े हैं इसमें राजस्थान सेकेंड नंबर पे है, और राजस्थान से काफी ऊपर जो है हमारा हरियाणा आ चुका है। हालांकि पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो राज्य है वो सबसे बड़ा है, तकरीबन बहुत ज्यादा जनसंख्या है हरियाणा से, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा नंबर वन पर रुका हुआ है, टिका हुआ है। जबकि आंकड़े जो है, एक बार आप आंकड़े देख लेना, आंकड़े देखने के बाद जो हम आपको पूरा डिस्कशन जो है वो करेंगे बाद में कि क्या मैटर है क्या नहीं है। हरियाणा सरकार ने कुछ दिनों पहले जो है वो बताया था कि 6 लाख बेरोजगार युवाओं का अनुमान जो है जताया जा रहा था, लेकिन ग्रुप सी और डी की जो लंबे समय से भर्तियां अटकी हुई हैं उसके लिए जो सीईटी का जो एग्जाम के लिए जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे वो तकरीबन 8 लाख युवाओं ने अप्लाई किए थे। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये 8 लाख युवा जो हों बेरोजगार नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का पोर्टल है, अनएम्प्लॉयड का पोर्टल है हरियाणा का, उसके अंदर भी 8,68,584 युवाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब मैटर ये नहीं है कि हरियाणा नंबर वन पे है या बेरोजगारी दर ज्यादा है, मैटर ये है कि इन लोगों को इनका जो वास्तविक हक है वो हक नहीं मिल रहा है। हरियाणा में एक योजना है युवा सक्षम योजना। अब ये देखिए, युवा सक्षम योजना जो है आपको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद जो है युवा सक्षम योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन आप ये देखिए रोजगार पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वे 8,68,584 हैं, लेकिन जो सक्षम युवा का जो योजना है उसका जो लाभ ले रहे हैं वो है 3,87,871, यानी कि तकरीबन अभी भी 5 लाख के करीब ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिनको उनका हक जो है वो नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा मैटर भी है लेकिन ये मैटर सबसे पहले सोल्व होना चाहिए। इसके अंदर जो है दिक्कत ये है कि फैमिली आईडी के अंदर बेरोजगारी का ऑप्शन जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये रोजगार कार्यालय में तो अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन सक्षम युवा योजना के तहत जो इनको 900 रुपए, 1500 रुपए और 3000 रुपए जो मंथली इनको बेरोजगार भत्ता के तौर पर दिए जाते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने जो ये आपको आंकड़े दिखाए हैं कि हरियाणा नंबर वन पे है और नंबर वन पे जो इसकी रेटिंग है वो 35.7% है, ये तब है जब इसको रोका गया है। क्यों? सभी को पता है कि फैमिली आईडी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन है वो नहीं है, बेरोजगार का ऑप्शन जो है वो नहीं है। स्टूडेंट्स हैं या फिर मजदूर हैं, अनएम्प्लॉयड का कोई भी ऑप्शन जो है वो फैमिली आईडी के अंदर हाल घड़ी में नहीं है, और ये काफी लंबे समय से नहीं है, काफी लंबे समय से इसको हटाया गया है। और काफी समय पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, दोबारा से जो है एक भाई की अपील थी कि सर कम से कम कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो आप तो इस बारे में आवाज उठाओ, तो भाई आपकी आवाज जो है उठा दी है। अब इस वीडियो को शेयर करना आपका कार्य है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपका कार्य है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करो ताकि गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात आए कि जो बेरोजगार का ऑप्शन है वो गलत हटाया गया है साइट के ऊपर से, तो उसको दोबारा से जो है पीपीपी यानी कि फैमिली आईडी की साइट में दोबारा से इसको ऐड किया जाए, और इससे जो है गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो आंकड़े लेने में भी आसानी होगी कि हरियाणा में कितने बेरोजगार हैं। तो दबा के लाइक, दबा के शेयर और दबा के सब्सक्राइब कर दे। आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल मैं चल रहा हूँ, सारे भाइयों ने